नमस्कार, मैं हूं मुनीश राजदान। एक बार फिर से आपके लिए एक नया सेटअप लेके आए हैं। कैसे हम लोग देखेंगे कि सिलेंडर और रेगुलेटर लगा के हम लोग इसको 30 लीटर फ्लो कैसे ले सकते हैं। नॉर्मली जो हम लोग फ्लो मीटर लगाते हैं सिलेंडर में, वो 15 लीटर का होता है। 0 से लेके 15 लीटर पर मिनट तक का फ्लो हम लोग इससे ले सकते हैं। अब हमें देखना है कि अगर हमें 30 लीटर फ्लो लेना है तो वो कैसे ले सकते हैं। उसके लिए हमने एक अरेंजमेंट किया है। उसके लिए आपको एक मॉक्स रेगुलेटर चाहिए, ऑक्सीजन मॉक्स। इस टाइप का रेगुलेटर होता है, सेफेस्ट रेगुलेटर है। इसमें सेफ्टी वाल्व भी होता है, ये प्रेशर को स्टेप डाउन भी करता है और सेफ होता है। तो ये गेज इसमें लगा हुआ है, इससे आपको प्रेशर पता लग जाएगा सिलेंडर में कितना प्रेशर है या कितनी गैस बाकी है। इसको हम लोग इससे फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करके इसको स्पैनर से टाइट करेंगे और इस साइड में हम लोग, अगर हमें 15 लीटर ही फ्लो यूज करना है तो हम लोग ये 15 लीटर का एक फ्लो मीटर इसमें टाइट कर देंगे और इसको ओपन करके यहाँ से बॉटल लगा के इसको, अगर हमें 15 लीटर पे यूज करना है तो एक ही फ्लो मीटर लगा के और इसको नीचे बॉटल लगा के हम यूज कर सकते हैं। में पानी डाल सकते हैं मिनिमम लेवल तक और इसको यहाँ से ऑक्सीजन कैनूला लगा के इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ से बॉल जितना फ्लो रखना है बॉल को उतना सेट कर सकते हैं। 0 से 15 लीटर पर मिनट तक हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, अगर हमें 30 लीटर फ्लो यूज करना है तो हम इसके ऊपर 2 फ्लो मीटर लगा सकते हैं। वो कैसे लगा सकते हैं वो हम अब देखेंगे। उसके लिए हमें एक वाई पीस लेना होगा, तो यहाँ पे हम लोग वाई पीस को फिक्स कर देंगे। वाई पीस फिक्स करके हमें यहाँ पे 2 आउटपुट मिल गए। अब यहाँ पे हम 1 फ्लो मीटर लगा देंगे दूसरे पॉइंट पे, दूसरा फ्लो मीटर लगा देंगे। और इसके नीचे बॉटल्स लगा लेंगे। ऐसे ही दूसरी बॉटल, अभी एक बॉटल नहीं है हमारे पास, ऐसी दूसरी बॉटल यहाँ लगा के इसमें डबल बेनिफिट ये है कि अगर आपको 2 पेशेंट्स को देना है और आपके पास रेगुलेटर वगैरह सब एक है तो आप एक ही सिलेंडर से 2 पेशेंट्स को ये ऑक्सीजन दे सकते हैं। और अगर आपको टोटल 30 लीटर फ्लो यूज़ करना है, एक ही पेशेंट को 30 लीटर देना है, आप दोनों बॉटल पे ऐसा ही एक और बॉटल लगा के यहाँ पे उसके आगे जो है यहाँ से एक ऑक्सीजन ट्यूबिंग। अभी ये अगर हमें 30 लीटर यूज़ करना है तो हम ये ऐसा ही बॉटल इसके नीचे भी लगा के ऑक्सीजन ट्यूबिंग जो है इससे हम लोग जोड़ सकते हैं। जो ऑक्सीजन मास्क में ट्यूबिंग आती है या नेबुलाइजर किट में ट्यूबिंग आती है तो एक ट्यूबिंग हम यहाँ जोड़ेंगे, दूसरा ट्यूबिंग जो है दूसरी ट्यूब में जोड़ेंगे दूसरी बॉटल में, और ये 2 आउटपुट हमारे पास आ गए। इसको हम लोग एक वाई पीस लगाएंगे। अब हम फ्लो ओपन करेंगे, तो ये हमने 15-15 लीटर के फ्लो मीटर दोनों जोड़ दिए हैं, एक इधर से। ये हमें एक यहाँ से आउटपुट जो है, अगर हम यहाँ से 15 लीटर खोलेंगे
यहाँ से 15 लीटर खोलेंगे तो हमें 30 लीटर आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। ये हो गया अगर आपको ह्यूमिडिफायर के साथ यूज़ करना है। अगर आपको ह्यूमिडिफायर के साथ यूज़ नहीं करना है, किसी वेंटिलेटर में 30 लीटर फ्लो देना है, ड्राई फ्लो देना है जिसमें कि हम पानी नहीं डालते हैं, वेंटिलेटर के साथ जब भी यूज़ करना है उसमें पानी नहीं डालना है, तो अगर आपको पानी के साथ नहीं यूज़ करना है तो ऐसे ये दो नट निप्पल आते हैं, ये नट निप्पल आप इसमें लगा सकते हैं, फ्लो मीटर में लगाइए। इसमें आप वाई कनेक्टर लगा सकते हैं। और यहाँ से आप अपना आउटपुट जो है 30 लीटर ले सकते हैं। अगर आपको 15 लीटर लेना है तो एक ही फ्लो मीटर ओपन कर सकते हैं। इसको चाबी से थोड़ा सा हम टाइट कर सकते हैं, थोड़ा लूज है, इससे हम ओपन करके 15 लीटर इधर से, 15 लीटर इधर से, और यहाँ से हम ऑक्सीजन मास्क का ट्यूबिंग लगा के आउटपुट 30 लीटर हम लोग ले सकते हैं इसमें से। और ये इसको कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्री फिक्स्ड होता है, 50 PSI पे प्री फिक्स्ड है, इसको एडजस्टमेंट नहीं करना है हमने। इस गेज में आप देख सकते हैं जब सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा तो ये जो निडल है, निडल वापस यहाँ पे आ जाएगी ज़ीरो पे, तो सिलेंडर ख़त्म हो गया। ऐसे करके आप जो है 30 लीटर फ्लो, दो फ्लो मीटर लगा के आप ले सकते हैं 15 लीटर के। इनको चाबी से अभी हमने हाथ से टाइट किया, तो इसको आप स्पैनर से, चाबी से, अच्छे से रेंच से टाइट कर सकते हैं। टाइट करके अच्छे से आप इसको 30 लीटर पर मिनट आउटपुट ले सकते हैं। थैंक यू।